देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक लूप बना लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह चेन बना लिया, और तीन चेन में और बना लूँगी, एक दो तीन, ये तीन चेन एक डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ से मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इसी तरह से हर चेन में ऐसा क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से यहाँ से पूरे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक दो तीन, तीन चेन बना लूँगी, और इसमें देखिए 17 डबल क्रोशिया और ये तीन का चेन, तो टोटल मेरे पास 18 हो गया। अब वर्क को टर्न कर लूँगी, और देखिए यहाँ से मैं हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फर्स्ट वाले में एक बनाना है, देखिए फर्स्ट वाले में मैंने एक बना लिया। अब यहाँ से मैं हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाऊँगी, एक दो। इसी तरह से यहाँ तक हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, और लास्ट में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो इसमें मेरे पास टोटल 34 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 34 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक दो तीन, तीन चेन बनाऊँगी, और देखिए अब यहाँ से हर पांचवें चेन में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, दो हो गया, तीन, चार, पांच, इस पांचवें चेन में दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से फिर मैं देखिए एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस पांच में मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए एक दो। देखिए इसी तरह से इस पूरे रो को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हर पाँचवें चेन में दो दो डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे टोटल मेरा 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो चुका है, तो इस रो में मेरा 40 डबल क्रोशिया हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे तीन चेन बनाऊँगी, एक दो तीन, तीन चेन बनाऊँगी, तो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया, और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, देखिए पांच डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस डबल क्रोशिया स्किप करके ग्यारहवें में मैं क्रोशिया डाल के देखिए इस तरह से, और यहाँ से मैं 10 चेन में एक एक डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से फिर मैं 10 चेन स्किप करूँगी, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और इस पांच चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो
लेते हैं। चार, पांच, देखिए ये इस तरह से बन गया। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरा चोली की शेप में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक रो और बनाऊंगी, एक दो तीन, तीन का चेन, और देखिए इस सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल मेरे पास यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से घेरा बनाना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं एक दो तीन, तीन चेन बनाऊँगी और सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे दो हो गया मेरे पास, दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर चेन में मैं दो दो डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए एक, इसी तरह से दो दो डबल क्रोशिया बना के इस 20 चेन में मैं 40 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दूँगी, ठीक है, और इस डबल क्रोशिया के बीच में आ जाऊँगी स्लिप स्टिच से। और यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चेन बनाऊंगी और सेम स्पेस में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें देखिए दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर देखिए दो डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ पे ये बीच में चेन है इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से इस रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया और बीच के चेन में एक डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड रो भी बन के कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। देखिए और यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाऊंगी, सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे जो बीच में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था इसके दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, तो यहाँ पे मेरा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एक दो, फिर देखिए यहाँ पे एक दो, सेम स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाए। एक दो डबल क्रोशिया हो गया और यहाँ पे एक दो डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से फिर इस रो को बना के इस ऐसे ही देखिए नेक्स्ट राउंड में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो मैंने दो डबल क्रोशिया बनाया है इस पर, इसके ऊपर देखिए एक दो तीन, तीन चेन है, इस तीनों चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, तो तीन डबल क्रोशिया बनेगा। इसी तरह से हर रो में उसके नेक्स्ट रो में तीन डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया बनेगा। इसी तरह से इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मैंने आठ रो बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये मैंने टोटल आठ रो बना के कंप्लीट कर लिया है। ये पाँच नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज है। आगे का डिजाइन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।